त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से ये गंगा अवतार कहानी सुनने के लिए जा रहे हैं। बड़े गौर से सुनेंगे। आप कहां से शुरू करते हैं? ब्रह्म सभा एक दिन जुड़ी, महाविश्व पहुंचे आए, गंगा के अवतार की सुदू अब कथा सुनाए। बंधुओं, ब्रह्मलोक में देवताओं ने सभा जोड़ी तो सभी राजा यानी देवता लोग इकट्ठे हैं और एक महाविश्व नाम के राजा थे, वो भी वहां मौजूद हैं। उस सभा में होता क्या है? अरे बैठे देव महान जोड़ी दरबार, अरे बैठे देव महान सुनो धरि ध्यान, गंग महाआई जब पवन चलो यति जोर से देखी आचल दयो उड़ाई। मेरे नौजवानों एवं हमारी माता बहने, देखिए उस देव सभा में गंगा महारानी प्रकट हुई। जैसे ही सभा मध्य पहुंची हैं, हाय पवन देव एकदम से झकोरा खा करके जो प्रगटे, गंगा मैया का अपना आंचल उड़ जाता है और होता क्या है? सब देवन आए गए नार भैया चार, गंगा शरमाई इच्छा को वंश को महाविश्व राजा देखे निगाह जमाई। जैसे ही मेरे नौजवानों गंगा मैया का आंचल उड़ा यानी नगिन जो शरीर हुआ है, तो सब देवता लोग ये दृश्य देखते ही नीचों को निगाह डाल जाते हैं। ब्रह्मा जी बैठे हैं, वो भी चिंतित हुए, नीचे को निगाह करे हुए। महाविश्व राजा गंगा की ओर निगाह लगा जाते हैं और क्या होता है मेरे नौजवान? अरे तब ब्रह्मा ने वचन सुनायो, जब ब्रह्मा ने भैया वचन सुनायो, हे पापी तेने पाप कमायो, अरे तो कूने कसर मन आई आई आई, आई रे आई, अरे गंगा जी पे निगाह घुमाई। जो ही देखा तो महाविश्व राजा से क्रोधित होकर के वचन कहने लगे, अरे आपने आज देव सभा को भंग किया है। और जब नगिन शरीर गंगा का हो गया था, सबकी निगाह नीचे थी, लेकिन आप गंगा की ओर देख रहे थे, ये न्याय की बात नहीं। राजन सुनो, तेरो गंगा करे अपमान रे श्राप तोई दियो, हे महाविश्व राजा हम तुझे श्राप देते हैं। तेरो गंगा करे अपमान रे श्राप तोई दियो, अब सुन ब्रह्मा के वचन रे का पिगो भैया ही हो। और क्या महाराज, विवाह तेरो गंगा संग में हो, और करे गंगा पे क्रोध साप से मुक्ति तेरी होई। इस प्रकार से ब्रह्म
ब्रह्मा जी ने श्राप दिया और कहा महाविष राजा थे, अरे महाविष मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तेरा गंगा के साथ ही विवाह होगा और यही गंगा तेरा अपमान करेगी, जिस दिन तू इस पर क्रोध करेगा तब तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। आज बंधुओं जो इतने शब्द सुने हैं, महाविष राजा एकदम से घबरा जाते हैं, नीचे को गर्दन करके वहां से चले आए। हाय हाय इधर देखिए क्या होता है कि अष्ट बसुएं थे वो अपनी स्त्रियों के साथ और घूमने के लिए निकलते हैं, तो बंधुओं घूमते घूमते अष्ट बसु कहां आ जाते हैं कि वशिष्ठ जी के आश्रम पर। जैसे ही वशिष्ठ जी ने निगाह इधर उधर घुमाई तेदर में भगवान के भजन में लीन हो रहे थे, अष्ट बसुओं की पत्नी ने देखा वहां कामधेनु गाय बंधी थी, उसे देख करके लड़चा जाती और कहने लगी सुनो ये गाय हमें चाहिए, तुम इस गाय को ला सकते हो। बसुओं ने मना किया, क्या पागल हो गई हो तुम, अरे ऋषि जी की ये गाय है और हम चोरी नहीं कर सकते, चलो मांग के देख लेते मेरे नौजवानों। उन्होंने वशिष्ठ जी से मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो हुआ क्या, अरे गुरु वशिष्ठ जी की गाय, अरे गाय बसुओं ने लई चुराई है। हाय गुरु वशिष्ठ जी की गाय, अरे गाय बसुओं ने लई चुराई है। आज मेरे नौजवानों वशिष्ठ जी की गाय कामधेनु को अष्ट बसुए वहां से रात्रि में चुरा ले जाते हैं। जैसे ही सुबह हुआ और वशिष्ठ जी ने जो देखा, क्या हुआ है, अरे कामधेनु ना मुनि को पाई, कामधेनु ना मुनि को पाई, अरे गुस्सा भये बहुत मुनि राई, अरे मुनि गए हैं ध्यान लगाई, लगाई बसुओं ने गाय चुराई है। आज जो ही वशिष्ठ जी ने देव दृष्टि से देखा तो समझ गए ये सिवाय बसुओं को और किसी ने मेरी गाय को नहीं चुराया है। और हुआ क्या मेरे नौजवानों, हाय मत बसुओं की हरी हरी नीनी, मत बसुओं की हरी हरी नीनी, देवलोक में चोरी पीनी, हाँ देवलोक में चोरी पीनी, अरे लो भारी पाप कमाई, वो कमाई बसुओं ने गाय चुराई है। आज मेरे नौजवानों वशिष्ठ जी क्रोधित होकर के और क्या करते हैं, हाय मृत्यु लोक में तुम सब जाओ, अरे बसुओं लो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, हाँ मृत्यु लोक में तुम सब जाओ, हाँ नरतन पाई दुख यति पावो, अरे दयो श्राप मुनि किसी आई बसुओं ने गाई चुराई है। आज जो ही बंधुओं श्राप दिया है अष्ट बसु थे, हाय इस श्राप को पाकर के भयभीत हो जाते हैं, कामधेनु गाय को लेकर के तुरंत आश्रम पे आ जाते हैं और हाथ जोड़ करके आज सामने खड़े अष्ट बसु,
अब सुनिए बचन शरण गए आई, सुनिए बचन शरण गए आई, देखे गऊ चरण शरण आई। हाय मुने हमको लियो बचाई, वो बचाई बसुओं ने गाई सुराई है। आज जो श्राप को सुना है मेरे नौजवानों, तो बसुओं घबरा जाते हैं, कामधेनु गाय के लेकर के वशिष्ठ जी के पास आए, माफी मांगने लगे। हे मुनिराज, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी स्त्रियों के चक्कर में आकर के हमने आपसे चोरी की है, लीजिए ये तुम्हारी गाय है, अब हमें श्राप से मुक्ति कैसे होगी। बंधुओं, हुआ क्या है? जब इतने शब्द सुने हैं तो वशिष्ठ जी कहने लगे, हे बसुओं, जो श्राप मैंने दिया है वो मिथ्या तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें उपाय बताता हूं। अरे सुन बसुओं के बैन लगे यो कहने, हाय कहूं समझ आई, गंगा को कर ले प्रसन्न रे तुम्हें, त्यों में उन्हें मिलाई। और सुनिए, अरे गंगा कृपा कछु करे गर्भ में धरे बने मात तिहारी, जय मृत लोक में गंगा रे देख मुक्ति होज तिहारी। मेरे नौजवानों, वशिष्ठ जी ने बसुओं को समझाया, जाओ तुम गंगा को प्रसन्न करो और गंगा के गर्भ से तुम पुत्र बन करके जन्म लोगे, जब तुम्हारा उद्धार होगा। आज मेरे नौजवानों, ये बसुओं सुनकर के वहां से और चल देते हैं। अरे सुन के बसु तुरत उठे धाए, हाय सुन के बसु तुरत उठे धाये, गंगा माँ की ढिंग में आए। अब चरण गिरने न जल छाए, छाए छाए जी छाए, गद गद भये बचन नहीं आए। आज मेरे नौजवानों, अष्ट बसुओं वहां से चल करके गंगा मैया के पास आए और रोने लगे हैं, मैया मैया कह करके। अरे मैया, हे मैया, हमें स्वीकार करो, हमें वशिष्ठ जी ने श्राप दिया है। हाय हाय, और क्या, श्री जय जय गंगा मां तू सदा सुख देनी, पापों को काटनु हारू के सुरगुण सेनी। हे मैया, हमें मुक्ति चाहिए, मैया हमें अपनाओ ना। गंगे मैया सुनो हमारी टेर, माँ तो हम जोड़ी खड़े हैं हाथ,
वसुओं ने गंगे मैया से विनय किया है। आज गंगे माता कहने लगी है कि हे वसुओ, तुमने काम तो गलत किया था, लेकिन ठीक है, इस श्राप से मुक्ति मैं तुम्हें दिलाऊंगी। वसुओं के सुनकर वचन बोली गंगा मातो, कहा दुख तुम परी पड़ो है, साफ साफ कहो बात। अरे बसुओ, इतने लाचार मत हो, तुमने जो गलती की है उसका उद्धार भी मैं करूंगी। अरे गंगा सुन बसुओं की बेन, याद ब्रह्मा की आई है। आज मेरे नौजवानों, गंगा मैया को वही याद आ जाता है जो कि ब्रह्म सभा में उनका आंचल उड़ा था और ब्रह्मा जी ने शांत यानी महाविश्व राजा को श्राप दिया था। बोली अब तो हम चलें, देवताओं ने पुकार की है। तो गंगा मैया इधर वसुओं से कॉल करके और किस प्रकार से जा रही और क्या होता है। अरे गंगा सुनी वसुओं की बेन, हाँ गंगा सुनी वसुओं की बेन, याद ब्रह्मा की आई है। हाँ मैं ब्रह्मा का वचन निभाऊं, मैं ब्रह्मा का वचन निभाऊं, मृत लोक को यब में जाऊं। अब मोए तबई पढ़े गो चैने, ए अब मोए तबई पढ़े गो चैने, याद ब्रह्मा की आई है। बसुओ माता बनू तिहारी, हाँ बसुओ माता बनू तिहारी, इच्छा पूर्ण करूंगी तिहारी। अरे मेरी मानो साची बात, हाँ मेरी मानो साची बात, याद ब्रह्मा की आई है। और क्या, ए धार गर्भ में मुक्ति बनाऊं, हे बसुओ धार गर्भ में मुक्ति बनाऊं, फिर वापिस है लौट के जाऊं। अरे आऊं तुमको मुक्ति दान, अरे आऊं तुमको मुक्ति दान, याद ब्रह्मा की आई है। अरे गंगा सुन ब्रह्म, हाँ गंगा सुन बसुओं की बेन, याद ब्रह्मा की आई है। आज मेरे नौजवान इस प्रकार से कॉल कराल करके गंगा मैया देवताओं की पुकार को सुन के वहां से चल देती हैं मृत लोक में। और क्या, कैसे आई है और क्या हुआ है मेरे नौजवानों। अरे हतनापुर था गांव, अरे विश्रवा नाम भूप बलधारी, अरे थे उनके पुत्र प्रदीप, अरे सोनो जी सरदारी। आइए अब हस्तिनापुर से कहानी को शुरू करते हैं और क्या होता है।
आज्ञाकारी प्रजा का पालन कर रे मगन मनवारी। आज मेरे नौजवान इस प्रकार से हस्तिनापुर में और क्या होता है कि विश्रवा नाम के भूप थे, उनके तीन पुत्र थे और क्या होता है भैया, अरे था देवक है बड़ो सुत प्यारो, अरे था देवक है बड़ो सुत प्यारो, अरे शांतन, अरे शांतन महाविष्णु भैया तने धारो, अरे तीजो मायली कबलो धारी, पोसत बनो अचल ब्रह्मचारी, आज मेरे नौजवानों प्रदीप के तीन पुत्र थे और क्या होता है जो महाविश्व राजा थे वो आकर के शांतनु बनते हैं। क्या होता है बंधुओ, प्रदीप भयति व्रत रे राज बिसरायो, मेरे नौजवानों राजा प्रदीप बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं अपने शरीर को छोड़ने को हुए, तो क्या किया उन्होंने, प्रदीप भयति व्रत रे राज बिसरायो, जब हस्तिनापुर को भूपरे शांतनु हाई बनायो, महाराज रहो यस तीन लोक में छाई, और यघुमा यजव स्वरूप ब्याह दके लाए ताई निभाई, आज मेरे नौजवानों प्रदीप राजा के तीन पुत्र थे तो बड़े शांतनु थे, उन्होंने शांतन महाराज को राज यानी राजा बना दिया अपने पुत्र को, तो इधर में शांतनु महाराज हो जाते हैं और अगमा बड़ी सुंदर स्त्री थी, अगमा के साथ शांतनु की शादी हुई थी, लेकिन बंधुओं होनहार कभी नहीं मिटती है। शांतनु महाराज राजा बने हैं, वो श्राप पा करके इधर में महाविश्व राजा के नाम से पहले अगले जन्म में थे वो, अब ये शांतनु हो जाते हैं तो क्या होता है, होनहार मिटती नहीं जो कुदरत की देन, गए विपनिया खेत कुसो भूप तभी शांतनु। इधर में मेरे नौजवानों शांतनु महाराज और शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, एक बात हम तुमसे कह दे पंच सुनियो ध्यान लगाई, अरे तेरा मुहूर्त के सेट में पंचो लीला जो नहीं हम दे दरसाई, अरे रावण को ये तो भैया भी बिसरा है लात मार के दो तो भगाई, हाय रामचंद्र सब के ही प्रेमी उनने लीनो इत गले लगाई, इधर मेरे नौजवानों शांतनु महाराज शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं लेकिन होनी बड़ी प्रबल है, ब्रह्मा जी ने कौन सा खेल रचाया इधर में कि शांतनु महाराज को रूप धरके और अगमा के पास आ जाते हैं, तो जैसे ही देखा अगमा ने
शांतनु महाराज को अपने पिया जान करके और पलका पे बैठा लिए। और होता क्या है, अरे धरी के शांतनु को भेषु महलों में ब्रह्मा आई की, ब्रह्मा आई ही महलों में ब्रह्मा आई ही धरी के शांतनु को भेषु महलों में ब्रह्मा आई ही। और क्या बंधुओं, माया ना अघिमा कछु जानी जी, समझी पति को अति हरुषानी जी, माया ना अघिमा कछु जानी, माया ना अघिमा कछु जानी, समझ पति कुयति हरसानी, पलका पे बैठा रे प्रेम से बचन सुनाई थी, धर के शांतनु को भेषु महलों में ब्रह्मा आई थी। आज मेरे नौजवानों, जैसे ही अघिमा अपना पति जान करके ब्रह्मा जी को पलका पे बिठा लिया है तो नहीं समझ पाई वो चाल को, हाय हाय, पति व्रत भंगो भयो जी अघिमा को, पतिव्रत भंगो भयो अघिमा को जी, अब डरी गई रूप देखी ब्रह्मा को जी, हाँ पतिव्रत भंगो भयो अघिमा को, पतिव्रत भंग भयो यघिमा को, डर गई रूप देख ब्रह्मा को, अब देने लगी श्राप भाग के ब्रह्मा धाई ही, धर के शांतनु को भेषु महलों में ब्रह्मा आई ही। आज मेरे नौजवान ने जैसे ही ब्रह्मा जी को पहचान लिया है, एकदम से अघिमा कांपने लगी है, हाय आंखों में आंसू भर लाई, हे भगवान हे विदाता, ये कैसी भूल मुझसे हुई, आज मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, अरे ओ ब्रह्मा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ब्रह्मा ने जो सुना एकदम से वहां से भाग दिए। और इधर क्या होता है, अघिमा रही रोधन, अघिमा रही हे रोधनो मचाई जी, अघिमा रही हे रोधनो मचाई जी, तब तक शांतनु गए आई जी, अघिमा रही है रोधन मचाई, तब तक शांतनु गए आई, अरे ब्रह्मा ने छल करो भूप अपने मन खिस आयो, अरे ब्रह्मा जी आयो महल में, ब्रह्मा जी आयो धर के साथ।
ध्यान तेन को भेसो महल में ब्रह्मा जी आयो। आज मेरे नौजवान इस प्रकार से जैसे ही शांतनु महाराज वहां पहुंचे तो अगमा रुधन मचाने लगी है। हाय हाय अपने पिया को देखा, भाग करके आज अगमा चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। शांतनु कहने लगे, क्या बात है, क्यों रो रही हो? महाराज आज मुझसे धोखा हो गया। कैसा धोखा? मेरे साथ में ब्रह्मा ने छल किया है। आपके भेष में आ गए थे तो मैंने उन्हें तुम्हें समझ करके और अपने पास बिठा लिया था। एकदम से शांतनु महाराज गर्म हुए, बोले अरे सुने अघमा की बेन, हाँ सुने अघमा की बेन, कहे शांतनु बहुत ऋषि आयो, फिर भी जिंदी तू रही रे, तने मुख मुख दिखलायो। अरियो चल भाग जा से, अरियो बेहुदी, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, इस शकल को लेकर के मेरी आंखों के सामने से भाग जाओ यहां से। अरे अब ना मेरी रही, हाँ अब ना मेरी रही, क्रोध कर रही चली तू जाबो, अघमा चरण में गिरी रे, चरण शरणाबो। आज मेरे नौजवान इस प्रकार से शांतनु महाराज एकदम से नाराज हो जाते और कहने लगे, अरे बेहुदी मैं तुझे देखना नहीं चाहता, मेरी आंखों के सामने से चली जा। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं तुम्हें छोड़ के कहां जाऊंगी। अरे ना मैंने जाने पाप पिया कियो, जा मैंने जाने पाप नहीं कियो, यारो रूह पर दुष्ट धर लियो, मको माफना न कर दियो। महाराज अपनी शरण आप रख लियो, आज इधर में अघमा रोने लगी है, महाराज मैं तुम्हें छोड़ करके कहां जाऊं। इस प्रकार के जो बंधु शब्द सुने हैं, शांतनु महाराज कहने लगे, अरे उल्टा अगुमा से शांतनु रे तनक नहीं बोले, जब गई वहां से निकल रे पिपन में भैया डोले, महाराज पिया से लीनो ध्यान लगाई, गई नदी पे आए जाने पल में प्राण गमाई, आज मेरे नौजवान उस प्रकार से अगमा को महाराज शांतनु ने फटकार दिया था तो अगमा वहां से निकल के और नदी में डूब करके अपने प्राणों को त्यागन कर देती है। धीरे 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 जब समय व्यतीत होने लगा है, महाराज शांतनु शोक में बैठे रहते हैं, ये मैंने बड़ा पाप किया, न जाने अगमा से मैंने कैसे कैसे शब्द कहे थे, आज उस दुखिया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। कहते हैं कि स्त्री के बिन घर नहीं और पुत्र के बिन कोई छाया नहीं, होता क्या है मेरे नौजवानों, शांतनु आखे टुकू
होते ही चले प्रभात, देवों की अस्तुत सुनी सो चले दई गंगा मात। इधर में मेरे नौजवानों, शिकार खेलने के लिए महाराज शांतनु चले हैं और इधर में देवताओं ने जो पुकार की है तो देखिए किस प्रकार से गंगा मैया प्रकट होती हैं। अरे जल से भई अजब सी वाणी, अरे देवों के भई मनमानी, अरे करने लगी पुकार रे, नारी रूप धरो गंगा ने मह पे लो अवतार रे। जय हो, बोलो गंगा महारानी की। आज मेरे नौजवान इस प्रकार से गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई और क्या होता है, अरे जल से भैया आवाज ये वाणी, देवों की है गई मनमानी, करने लगी पुकार रे, नारी रूप धरो गंगा ने मह पे लो अवतार रे। आज मेरे नौजवानों, गंगा महारानी पृथ्वी पर जो प्रकट हुई है, पशु पक्षी किस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं। इस में तोता तो भैया बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि गंगा महारानी जल को लेकर के प्रकट हुई और क्या होता है। इधर में शांतनु महाराज शिकार खेलने के लिए आए हैं तो गंगा से किस प्रकार से मिलन होता है। अरे शांतनु या खेत करन को गंगा तट पे आए ही, अरे रूप देख कर गंगा जी को काम विवश है आए ही। और क्या, अरे हृदय में नारी की सूरत समानी, इकले आज बनाऊ रानी, और करते भूप विचार रे, अरे नारी रूप धरो गंगा ने मह पे लो अवतार रे। आज मेरे नौजवानों, जैसे ही शिकार खेलते खेलते शांतनु किनारे किनारे चले जा रहे थे, एकदम जो गंगा महारानी सामने प्रकट हुई, जैसे ही उनका वो सुंदर स्वरूप देखा है, राजा शांतनु एकदम से चकित हो जाते हैं और मन में विचारधारा करने लगे, हमें इनसे बात करना चाहिए और इनसे हमें शादी रचानी चाहिए। तो क्या होता है, देव नारिया रची रती क्यों इकली वन में फिरती हो। राजा शांतनु पास में जाकर के पूछने लगे, हे देवी आप कौन हो, इस वन में अकेले तुम घूम रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा। गंगा मुस्करा गई है, आहा, अरे देव नारिया रची सती है इकली वन में फिरती हो, अब किस कारण यस कठिन बनी में सुंदर नारी विचरती हो। और क्या, अरे को तुम कौन कहां से आई, अरे दीजिए अपनों भेद बताई, हरे मत करे ना आवेर रे,
नारी रूप धरो गंगा ने मह पे लो अवतार रे। जय हो। शांतनु के वचन सुने तब गंगा जी मुस्कियाई ही। ए महाराज, तुम हमसे पता पूछ रहे हो? हाँ हाँ बताइए ना। शांतनु के वचन सुने तब गंगा जी मुस्कियाई ही। अरे बरकी करूं तलाश लोक तीनों में फिर आई हूं। क्या कहा? हाँ तुम बरकी तलाश कर रही हो? हाँ हाँ तीनों लोक में मैं घूम के आ रही, लेकिन आज मुझसे मुलाकात हुई है, तुम्हें देख करके मेरा मन विचलित हो रहा है। और क्या? अरे एक शरत तुमको बतलाऊं, अरे ता पीछे में ब्याह रचाऊं, अरे मेरा यही विचार रे। नारी रूप धरो गंगा ने मह पे लो अवतार रे। आज इस प्रकार से मेरे नौजवानों, शांतनु महाराज और गंगा जी की बातचीत हो रही है, तो ये शब्द भेद बता करके उन्होंने, इधर शांतनु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, गंगा जी भी प्रसन्न हो जाती हैं। यहां शर्त होती है, तो गंगा शर्त क्या कहती हैं कि महाराज शादी में जरूर कर लूंगी आपसे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी? कि मैं अपनी टेक निभाऊंगी, और यदि तुम अपने वचन वृद्ध हो गए तो फिर मैं तुम्हें कभी न मिल पाऊंगी। आज बंधु जो इतने शब्द सुने हैं, महाराज उसको हां कर लेते हैं, बोले ठीक है मुझे स्वीकार है। तो क्या होता है मेरे नौजवानों? अरे शर्त तो हमारी ये है राजा, अरे मैं अपनी टेकी निभाऊंगी, अरे बचनी वृद्ध जो हो वो साजन तो फिर ना मिल पाऊंगी, हाय फिर मैं ना मिल पाऊंगी जी, हाँ फिर मैं ना मिल पाऊंगी। इतनी सुने के राजा हामी भारी लही दी। इतनी सुने के राजा हामी भारी लगी दी। यदि कोई लीनो, हाँ कोई लीनो है ब्याहुरा जाएगी, तनी सुने के राजा हामी भारी लगी दी। अरे गंगा को संग ले करु राजा, अरे हतनापुर को आए हैं, अरे हिल मिल रहे महल में दोनों, अति आनंद मनाए हैं, अति आनंद मनाए भैया, अति आनंद मनाए हैं। और अरे पहलो सुतु जब भैया, पहलो सुतु जब जायो गंगा माँ तूने दी, पहलो सुतु जब जायो गंगा माँ तूने दी। यदि बाई जालो में, हाँ बाई जालो में दो तो बा, हाई पहलो सुतु है। और मेरे नौजवानों इस प्रकार से
पहला जो सुत हुआ है तो गंगा ने जन्म देते ही उसे जल में के बीच बहा देती है, और फिर क्या होता है, जाई विद से गंगा जी ने, हरे जाई विद से गंगा जी ने सातों पुत्र बहाए हैं, अरे जाई विद से गंगा जी ने अब सातों पुत्र बहाए हैं, अब ये गति देखी गंगा जी की शांत नुघब राए हैं भाई, शांत नुघब राए हैं, अरे आठवीं सूत को हाय आठवीं सूत को गंगा लेके चली दई दी, आठवीं सूत को गंगा लेके चली दई दी, यदि राजानी हमे राजानी पकड़ो हाथी आठवीं सूत को, आज मेरे नौजवानों जैसे ही आठवें पुत्र को गंगा बहाने के लिए ले चली हैं, एकदम से राजा शांतनु तड़प करके और हाथ पकड़ लेते, ठहरो, क्यों क्या बात है महाराज, ओ रानी, अरे नारी के रूप में ओ डाकनी, आज तक तू मेरे सात पुत्रों को बहा चुकी है, ऐसा कौन बाप होगा जो कि अपने आंखों के सामने और अपने पुत्रों को जल में बहाते देखे, ये नहीं देख सकता, ठहरो ठहरो रानी ठहरो, अरे कहां तने नारी बिचारी, ओ कहां तने नारी बिचारी, कब को पापनी करके ब्याह हो आज पछताऊं, अब ना तेरो देखी वचन निभाऊं, तूने मुझसे इतना बड़ा वचन लिया था, ये दुख में अपने शरीर पे झेलता रहा, लेकिन रानी अब नहीं झेलता है, अरे बिगाड़ी तेने दशा हमारी, ओ बिगाड़ी तेने दशा हमारी, कब को निकारोरी तेने बेरो, हो कुलटा है तू कौन कहां से आई, आज तक मैं तुझको पहचान नहीं पाया, आखिर तू है कौन, हाँ तू मुझे सत्य सत्य बता दे, है तू कौन कहां से आई, अब तेरी साफ साफ बतलाई, तेने सात सुत मेरे खा लिए, हरी ओ डाहिनी, अरे सात तो मैं कहो चारी, कब को निकारो री तेने बेरो, धिकार है शांतन तेरे ऊपर, इतना बड़ा वचन दे करके आज अपने कुल का नाश कराते जा रहा है,
अरे ऐसे वचनबद्ध होने से क्या मिलेगा रे शांतन तुझे, सो को मेरे पुरवारी चाप दे टूटी अब आस हमारी, अरे भाई सब विधि सेरी खुआरी, ए भाई सब विधि से खुआरी, कब कौन कारोरी तेने बेरो, आज इस प्रकार के जो मेरे नौजवानों वचन सुने हैं, एकदम से गंगा कहने लगी है राजन ध्यान करो, अब सुन राजा की बेन लगी, यो कहने कहूं समझ आई, गुरु बसु की गाय जब बसुओं ने नई चुराई, और सुनो अरे श्राप मुनि ने दयो, हाँ श्राप मुनि ने दयो, गिरायो कहो धरन पे जाबो, जब हो श्राप से मुक्त रे तुम गंगा मात बनाओ, हे महाराज आप तो प्रथाएं मुझ पे आरोप लगा रहे हो, अरे ध्यान कीजिए, गुरु वशिष्ठ की इन पशुओं ने गाय चुराई थी, ये अष्ट पशु थे, इनों को श्राप लगा था, आज जो श्राप को मुक्ति पाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया है, और सुनो अरे दूजो श्राप सुनो न पराई, ए दूजो श्राप सुनो न पुराई, एक दिन ब्रह्म सभा जुड़ी आई, याद करो महाराज याद, एक दिन ब्रह्म सभा जुड़ी आई, आ चलो उड़ो पवन से उजाई, अरे आ चलो उड़ो पवन से जाई, तुमने मुंह पे निगाह जमाई, और महाराज दूजा श्राप ये था, ध्यान कीजिए, एक समय मैं ब्रह्म सभा में गई थी तो मेरा आंचल पवन से उड़ गया था, वहां तुम्हें निगाह मेरे पे टिकाई तो ब्रह्मा जी ने तुम्हें श्राप दिया था, उस श्राप से मुक्त तुम्हें दिलाने के लिए मुझे ये रूप धारण करना पड़ा, भैया और सुनिए, अरे तुम ते मावस भू परे श्राप तो ही दियो, कारण तेरे संगरे ब्याह मैंने कियो, ध्यान करो राजन ध्यान, महाराज श्राप से मुक्ति कब दो तुमको, अब लीजे अपना राज के राजा नहीं पावो हमको, समाप्त होती है, बोलो बंसी वारे की, अरे देवों ने वरदान दियो इत सुर तेरो वीरो कहलाई, आज मेरे महाराजो मेरे नौजवानों आठवें पुत्र को
गंगा महारानी लेकर के देवताओं के बीच गई हैं। उस पुत्र को देवताओं ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया था कि ये तेरा पुत्र वीर बलवान होगा,